ये दो लक्षण पक्का बता देगा आपके घर में 201% लड़का है बोल के। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में ऐसे दो लक्षण के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा आप कंफर्म हो सकते हैं कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु एक लड़का है बोल के। दोस्तों, क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला को जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। इसके लिए वो लोग बहुत सारे उपाय करते रहते हैं या फिर लक्षण के द्वारा जानना चाहते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत में लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है। आप लोग भारत में लिंग जांच नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसा कुछ उपाय है या फिर लक्षण है जिसके द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला के शरीर में जो हॉर्मोन्स के जो उतार चढ़ाव होते हैं, हर एक गर्भवती महिला में वो अलग अलग होता है। और साथ में जब एक महिला गर्भवती होती है तो उनके शरीर में जो हॉर्मोन्स का जो उतार चढ़ाव होता है वो बहुत देखा जाता है, जिसके वजह से एक गर्भवती महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। और दोस्तों, इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चैनल कोई लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिला का जो जानने की जिज्ञासा है, उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, कोई भी लक्षण 100% सटीक नहीं होता है, आप लोग सिर्फ 99% या फिर 80% ही गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं ऐसे दो लक्षण के बारे में जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि घर में लड़का है बोल के। पहला लक्षण है कमर में दर्द। गर्भावस्था का 7वां, 8वां और 9वें महीने में अगर एक गर्भवती महिला का कमर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द रहता है और वो दर्द कमर से शुरू होकर पेट के निचले हिस्से में रहता है, तो माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है सर में दर्द। गर्भावस्था का पहले 3 महीने में और आखिरी 3 महीने में अगर एक गर्भवती महिला का सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द रहता है तो भी माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। तो दोस्तों, यही थे दो ऐसे लक्षण जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि घर में लड़का है बोल के उसके बारे में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो, या फिर आगे कुछ टॉपिक में जानना चाहते हैं मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स लाऊँ तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।